पटना के दानापुर सिपारा इलाके में एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का खौफनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विकास राम नाम के युवक की इस घटना में मौत हो गई है। विकास राम की मां का कहना है कि उनका बेटा सिपारा के ही एक मोबाइल दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान मालिक आदर्श ने 3 महीने से विकास राम का वेतन रोक रखा था। जब भी विकास राम अपने हक का बकाया मांगने जाता था, तब आदर्श उसे टाल देता था, लेकिन इस बार विकास राम बकाया पैसे देने की जिद पर अड़ गया था। ऐसे में दुकानदार ने पेट्रोल छिड़ककर विकास राम को आग के हवाले कर दिया। जली अवस्था में विकास राम को PMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान विकास राम की मौत हो गई। इसके बाद डेड बॉडी लेकर लोगों ने सिपारा में मोबाइल दुकान के पास रोड जाम कर दिया। हाँ बताइए, क्या 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 बयान दिया बच्चा आपका? दिया कि बेटा मेरा सुबह का ड्यूटी आया, तब पैसा मांगा सर, महीना 5 महीना का पैसा, बाकी पैसा दीजिए। तो कहा ना कि पैसा भी नहीं देंगे, कहा कि नहीं देंगे सर। बेटा कहा कि पैसा नहीं देंगे, हम खाएंगे कब? जगह माई पैसा मांग रहा है। तो कहा ना कि पैसा ना, मैं रूम तो बता रही हूँ सर। बेटा हमारे कहा ना कि जब पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या करिएगा? बेटा बोला कि क्या करिएगा, तो कि तोरा भी बोल मैं उठा दबाओ। कहाँ पर तेल छिटवाया? इंडेलवाल के बगल में रहते हैं, क्वार्टर गेट के पास, वहीं पर। के तारीख के हुआ था? 18 तारीख। भर्ती था तो बोला कुछ आपको? बेटा आपसे कुछ बोला था? बेटा कहा कि मम्मी का मालिक जान मार, तो पैसा मांगा लियो था। जय कहा बेटा, कहा ना कि पैसा मांगा मम्मी, तो जान मार दिया। क्या नाम है आपका? कंचन देवी साहब। वहीं स्थानीय लोग भी इस खौफनाक घटना का विरोध कर रहे हैं। इसको आग के जला दिया, ठीक? क्या किया इसके? बयान दिया है। हाँ, बयान दिया इसके मम्मी ने। इस चीज को बताए कि देखिए, मेरे बेटे को जो है ना इन लोग में जला दिया। क्या किसके लिए? तो कि 1000 रुपया के लिए जो है लोग अति ऑप्शन किया, तो इसके लिए कोई पति ने बाकी एक चीज को उसके परिवार को बुलाना चाहिए ना। 1000 रुपया जलाने का क्या दुख है? कुछ अब क्या दुख है? ये लोग पूरा फैमिली कुछ मैटर महीना लगा था। देखिए ये लोग ही बता रहा है, हम लोग तो उधर है। 3 महीना का पैसा लगा था। कोई 3 महीना का पैसा नहीं देगा, उसके बाद अगर उसको नहीं जलाएगा, जलाएगा? हमारे भी परिवार में गरीब है, हमारे फैमिली। वहीं सड़क पर हंगामा और आगजनी की जानकारी मिलते ही बेऊर थाना के SHO और प्रशिक्षु DSP प्रांजल तिवारी मौके पर पहुंचे। DSP प्रांजल तिवारी ने कहा कि इस कांड में शामिल आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज शाम को हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक व्यक्ति को 18 तारीख को ये SPH नामक दुकान के मालिक ने कुछ पैसे के लेन देन के चक्कर में किसी जला दिया था। तो जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने PO पे हम लोग यहाँ पे आए और जहाँ पे लोगों ने बॉडी रखी थी वहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने दें हम लोगों को, और जो भी कानून के तहत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग सब करेंगे। किसकी मौत हुई है? और विकास कुमार की मौत हुई है। आरोप लगाया गया है SPH नामक दुकान के मालिक पे, आदर्श कुमार के ऊपर आरोप लगाया गया है। और हम लोगों को अभी ही एक लिखित आवेदन भी प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि ये जगह खाली करें, और जैसे ही ये सिचुएशन कंट्रोल में आता है हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दरिंदे दुकान मालिक पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मृत विकास राम के पीड़ित परिजनों को भी पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।